इंसान का दिमाग है, कुछ भी सोच सकता है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने क्या कहा, सर मेरा अपन मेरी जो नियुक्ति 2018 वाले में सिलेक्शन हो चुका है, मेरा लिस्ट में नाम भी है ना, और रिजल्ट में मेरा नाम है, तो सर ये बताइए कि क्या मेरा अगर सिलेक्शन अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता है ना, और किसी दूसरे कोर्ट में हो जाता है रीअलॉटमेंट में, तो मैं क्या अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सकता हूँ, या फिर पूरी ज़िंदगी उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काटनी पड़ेगी क्या, या पूरी मेरी जो नौकरी जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही करनी पड़ेगी। तो मैंने चलो भाई ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैंने चलो इसका अभी रिप्लाई जो है एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन हो उसका आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए, उसकी मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो बहुत से अभी सब्सक्राइबर ऐसे जिनका क्वेश्चन की मैं वीडियो नहीं बना चुका हूँ, बना सका हूँ, तो उसकी बना दूंगा। कि आपको पता है इसमें ऑनलाइन क्लास के लिए ऊपर से आदेश आ चुका है आज, और अभी मतलब पीछे DM साहब ने अभी जितने प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेजों के सबकी मीटिंग करी थी, वहाँ पे मुझे भी जाना पड़ा है ना, तो सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है स्कूल की, बहुत सारा काम रहता है, फिर भी मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ रात को जो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेनो और ड्राइवर, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टेनो और ड्राइवर का इनका भी ट्रांसफ़र होता है क्या, और समय समय पर होता है इनका भी ट्रांसफ़र, या फिर इसमें लिखा हुआ कि पूरी ज़िंदगी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही नौकरी करनी पड़ती है, पूरी ज़िंदगी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहना मतलब ज़िंदगी तो खैर नहीं, मतलब पूरी नौकरी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी भी हो सकती है, क्योंकि जब कोर्ट से रिटायरमेंट हो जाते हैं ना तो फिर संविदा पर रख लेते हैं वो, जब रिटायरमेंट वालों को जो टीचर होते हैं ना वे संविदा पर रख लेते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 जितनी भी आधी सैलरी में रख लेते हैं संविदा पर, ठीक है, पूरी ज़िंदगी समझ लीजिए। इसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर सभी जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं, पहला जो आपका क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने करा था कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो लाइफ टाइम अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करनी पड़ती है, एक तरफ हाँ एक तरफ नहीं, इसका आंसर है हाँ और नहीं, मतलब हाँ कैसे वो देखिएगा भाई। सीधी सी बात है, कोई भी अगर न्यायालय होता है, ठीक है, तो वहाँ का जितना जो क्राइटेरिया रहता है, आप माना कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट रहते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ट्रांसफ़र करने के लिए स्वतंत्र है पूरी तरीके से, आपकी कोई वॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये वाली बात मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि इसके बाद नहीं नहीं कैसे वो भी देख लीजिए, तो मतलब क्या रहता है कि बहुत रियर केस में ऐसा होता है, माना कि आपके जो है बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, और जो आपका मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद में जो है कोई लड़का अगर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई बरेली में, ठीक है, 100 किलोमीटर का एरिया देते हैं वो, तो बरेली 90 किलोमीटर है मुरादाबाद से, तो यहाँ पर अगर किसी अपॉइंटमेंट होता है तो बेचारा नौकरी करता है, और सही है तो नौकरी करता कि अपने मुरादाबाद में ट्रांसफ़र कैसे पाऊँ, तो उसका उस डिस्ट्रिक्ट में मुरादाबाद में ट्रांसफ़र हो तो जाएगा कम से कम 5 साल के बाद, 5 साल से पहले नहीं होगा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, मतलब ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन से रियर केस में, पर वो होता क्या, माना कि अगर बरेली वो कैसे होता है वो समझिएगा, कि माना कि बरेली है, ठीक है, बरेली के अंदर अगर कोई काम जो है अवरुद्ध चल रहा है, माना कोई जो है काम नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे मुरादाबाद में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें 2-4 फालतू अगर होते हैं तो वो बराबर भेज देते, क्योंकि एक वैकेंसी के लिए तो कोई वैकेंसी निकालेंगे नहीं, न्याय विभाग हाई कोर्ट जो है एक वैकेंसी के लिए तो कोई नोटिफिकेशन जारी करेंगे नहीं, वो करते क्या है, अगर वो चाहें तो माननीय उच्च न्यायालय जो होते हैं हाई कोर्ट, वहाँ से आपका ट्रांसफ़र लेटर आ सकता है कि आपको बरेली जाना है या फिर सहारनपुर जाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वैसे ऐसा कब होता है कि वैसे होता तो नहीं है, वैसे रियर केस में होता है, वैसे करने के लिए स्वतंत्र है। अब सपोज़ मेरा ही ट्रांसफ़र है, ठीक है, अब मेरा ट्रांसफ़र वो करने के लिए स्वतंत्र है, आयोग कहीं भी भेज सकता है, पूरी तरीके स्वतंत्र है, वैसे मैं एक में ही कर रहा हूँ, एक जगह पर ही करता रहूँगा मैं, जो अशासकीय विद्यालय होते हैं ना वहाँ पर एक जगह पर करते हैं नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आपको अपॉइंटमेंट होता है जब से ले गए और जब आप रिटायरमेंट होते तब तक जो एक जगह पे आपको नौकरी करनी पड़ती है, अशासकीय विद्यालय जो होते इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर, ठीक है, जो एडिट जिसे कहते हैं एडिट कॉलेज, ठीक है, वहाँ पे। तो मतलब क्या रहता है, ऐसी कोर्ट में क्या रहता है, जब आपको अपॉइंटमेंट हो जाता है, अगर सपोज मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो गया या फिर बरेली डिस्ट्रिक्ट में हो गया, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट कभी कभी तो मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता, अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, सोने पर सुहागा। तो
तब भी लड़कों को टेंशन रहती है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया तो वो ऐसा रियर केस में होता है जबकि जगह खाली मतलब होती है और काम सॉरी जगह खाली नहीं होती है और वहाँ पर आपको लगा देते हैं कि चलो अब भी ट्रांसफर हो गया तो क्या करें, कोई परमिशन है नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय से सारे काम होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है कि और नहीं कि मतलब क्या हो गया, हाँ तो मतलब ये होगी करने की स्वतंत्र है पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र है आपका जो है ट्रांसफ़र करने के लिए साफ सब लिखा हुआ है। और नहीं का मतलब क्या होता है कि वो केवल ऐसा 99% नहीं होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में ही मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो शुरू से लेके एंड तक जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रिटायरमेंट हुए हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात इंसान का माइंड रहता है वो कुछ भी सोच सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन जो है इसके बाद देख लेते हैं बम्बई हाई कोर्ट का क्राइटेरिया देख लेते हैं भाई, पूरा जो माननीय उच्च न्यायालय जो है ना उनका क्राइटेरिया क्या पूरा यूपी है। ठीक है, यूपी से बाहर वो कहीं ट्रांसफर आपका नहीं कर सकते। एक बच्चे ने कहा सर ऐसा ना हो मुझे राजस्थान कोर्ट में भेज दिया जाए, मैंने ऐसा नहीं हो सकता, राजस्थान कोर्ट वाले अलग निकाल देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मुंबई हाई कोर्ट की बात करते हैं तो मुंबई हाई कोर्ट में अगर आपको अपॉइंटमेंट हो जाता है क्योंकि भाई यहाँ के लोग और बहुत बहुत विदेश में पड़े हुए हैं और दूसरे राज्य में मतलब हैं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है अगर आप मुंबई हाई कोर्ट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको गोवा है दादरा नगर हवेली दमन दीव महाराष्ट्र कहीं भी जो है ट्रांसफ़र करने के स्वतंत्र है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आप मुंबई हाई कोर्ट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है 6-5-6 जो ये राज्य दे रखे हैं इनमें आपके मतलब पूरी तरीके स्वतंत्र है, कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपका। ठीक है, और कहीं पर भी आपको भेज सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हाई कोर्ट में एक जगह ही आपको ट्रांसफ़र मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कहीं और डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है क्या, कहने का मतलब कहीं और डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सही बात है, करा तो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर जो है आपको अगर अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं होता है, रीअलॉटमेंट की लिस्ट जो अब जारी होने वाली अगस्त लास्ट तक जो है, अगर जो है अब देखिएगा अगर किसी को जो है रीअलॉटमेंट जैसे नहीं हो पाता अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं उनको जो है प्रोवाइड होता है तो वो करते क्या है अपने डिस्ट्रिक्ट जैसे ये जब वो उनको नहीं मिलता या दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिलता तो ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत सारा है मतलब बेरोजगारी जो है तो वहाँ पर क्या है उनको जो डिस्ट्रिक्ट अपने जो नहीं मिलता है तो तब वो वहाँ पर जाकर ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं 5 साल के बाद अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए आप जो है मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जॉब फोल्डर दे रहेगा, जॉब फोल्डर क्लिक करके देख लीजिए, ट्रांसफ़र की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है और कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजते हैं, वो जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो नहीं भेजते, बहुत रियर केस में ऐसा होता है कि मतलब भेज देते हैं और ना ही भेजते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो है न्यायालय जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इसमें साफ तौर लिखा हुआ पूरी तरीके से स्वतंत्र ट्रांसफ़र, अगर माननीय उच्च न्यायालय अगर चाहे आपका ट्रांसफ़र तो करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा भी ट्रांसफ़र अगर फेंक दिया जाए गोड़ना बस्ती बहराइच में तो मैं जाऊँगा पूर्व के क्षेत्र में, तो सीधी सी बात है कहीं पर भी भेज देंगे तो हमें तो भी करनी पड़ेगी क्योंकि किसी की बाउंडेशन नहीं है, है ना। और एक बात बता दूं 24 आवर्स नौकरी होती है, जब पुलिस वालों की ऐसे होती है ना ट्रांसफ़र कहीं भी भेज सकते हैं कहीं पर भी, तो ऐसी मतलब यहाँ पर भी भेज सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है इन चीज़ों में। क्या होता है हाई कोर्ट हो गया टीचर लाइन हो गया वहाँ पर ऐसा होता तो नहीं है, पर अगर भेजेंगे तो हमें जाना पड़ेगा कि हम सरकार से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये जो है इसमें जो है सही तरीके से अगर किसी को कोई चीज़ रह गया हो तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से ये वीडियो बहुत बेस्ट तरीके, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जिससे कोई भी न्यूज़ आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी रिजल्ट आएगा या फिर जो रिजल्ट आने वाला होगा तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जो और मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत से कहते हैं मेरे बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तो मेरे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जॉब फोल्डर दिया हुआ 25 नंबर है ना, तो 25 नंबर की वीडियो देख लीजिए आपको पता चल जाएगा मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में सही तरीके से। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।